number one, Shri A.T. Nana Patil. Question number one. Yes, your first supplementary. धन्यवाद मैडम. मैडम, इस देश में सभी क्षेत्र में उत्पादकों को अपने उत्पादित किया हुआ माल का कीमत तय करने का और अपना मुनाफा कमाने का अधिकार है, मगर इस देश में किसानों को अपने उत्पादित किया हुआ माल का उसका कीमत तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है. आज देश में किसानों का उत्पादित खर्चा हर साल बढ़ते जा रहा है और देश में जो किसानों का उत्पादित किया हुआ माल है उसके ऊपर हमारी जो निर्यात निधि है वो आज भी कभी हम लोग तय नहीं कर पाते. हमारे कृषि मंत्री भी उसके ऊपर नाराज है. जो हमारे कपास का निर्यात बंद किया था उसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. देश के अंदर सभी फसल हर साल में फसल आधी पैदा हो रही है और उत्पादित कीमत माल का खर्च ज्यादा बढ़ते जा रहा है. किसानों का घाटे का सौदा हो गया है. ऐसी पोजीशन हुई तो किसान एक दिन अपनी खेती करना छोड़ देगा. तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से पहला मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? कीमत देने के बारे में एक इंडिपेंडेंट मशीनरी है, वो हर राज्य सरकार की सलाह लेती है, किसानों की संगठन की सलाह लेती है और उनकी सिफारिश है वो भारत सरकार को देती है और इसके आधार पर भारत सरकार कीमत तय करती है. जो कीमत तय होती है इसके ऊपर ज्यादा पैसे किसानों को देने की तैयारी मार्केट में किसी ने भी दी तो इसमें सरकार कभी इंटरफेयर नहीं करता. जहां तक कपास की बात है, जो सदस्य ने यहां कहा कि कपास की कीमत 3000 या 3200 या 3400 के आसपास है, पिछले साल वो कीमत 6000 तक गई थी, सरकार ने रोकी नहीं और इसलिए ज्यादा कीमत इसकी उनको मिलने का वहां एक स्थिति हो तो लेने का उनका अधिकार है. सरकार तय करती है वो मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम के ऊपर वो किसान मार्केट की स्थिति हो तो ले सकता है. दूसरा पूरक प्रश्न. मैडम, एनएसएसओ की रिपोर्ट के ऊपर अनुसार देश में 41% किसान उचित विकल्प मिले पर किसानों छोड़ने को तैयार हुए हैं. ऐसे हालत में किसानों पर क्रॉप हॉलीडे की बारी आई है, इसके ऊपर सरकार क्या सोच रही? मंत्री महोदय, ईस्ट गोदावरी आंध्र स्टेट में वहां के अमलापुरम डिवीजन एक है, अमलापुरम डिवीजन में किसानों ने वहां की सरकार को नोटिस दी थी कि हम खरीफ के हंगाम में हम पैरी का क्रॉप नहीं लेंगे, हम रबी का क्रॉप लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कुछ मांगे की थी. वो मांगे पूरे करने के बारे में आंध्र प्रदेश ने एक छोटी कमेटी अपॉइंट की, इसकी रिकमेंडेशन आई, वो रिकमेंडेशन का स्वीकार आंध्र प्रदेश सरकार ने किया और वहां की समस्या जो थी वो आज हल हो गई. श्री मनसुख भाई.